मैं हूं आपके साथ मोनिका श्रीवास्तव। वक्त हो गया है आज की खबरों का। इन दिनों विवादों में चल रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने कृषि कानून को वापस लेने के सरकार के फैसले को शर्मनाक बताया है। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर देंगे तो यह भी एक जिहादी देश बन जाएगा। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहेंगे। हालांकि कंगना ने इसके पहले सरकार के कृषि बिल का समर्थन करते हुए किसानों को आतंकवादी तक कह दिया था, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। वहीं अब वह सरकार के कृषि कानून के वापस लेने के फैसले से नाखुश हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहना चाहूँगा कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान से हर कोई हैरान रह गया। सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून लागू किए थे और इसके बाद से ही देश में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए और कई किसान संगठनों के नेतृत्व में किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया था। वहीं कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले से देश के किसानों में भारी उत्साह है। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट।